हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माइंड माइंड टूटोरियल सो ये हम लोगों का वन सिक्सटी फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट वीडियो सेगमेंट रहने वाला है एनिमल किंगडम के एमसीक्यूज का इसके बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिवस एंड इफ यू वॉन्ट हम लोग नीट का टू का पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं uh, उसका हम वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो अगर आपको जो भी ज़्यादा सही लगता है आप uh, जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता सकते हैं अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा रहने वाला है वो ये होगा काला एंड ओरिएंटल स्प्रेड ये जो दो बीमारियां हैं वो कैसे स्प्रेड होती है तो आप, आपके जो ऑप्शंस है वो है हाउस फ्लाई सेंट फ्लाई बेड बक और फ्रूट फ्लाई तो पहले तो हम लोग सही आंसर को यहाँ टिक करते हैं सेंट फ्लाई राइट आंसर है यहाँ पर ये सेंट फ्लाई के थ्रू फैलती है जो लिशमैनियासिस होती है उसी को काला अजर कहा जाता है या फिर ब्लैक फीवर कहा जाता है तो ये जो बीमारी है काला अज़र इसका दूसरा नाम होता है ब्लैक फीवर और विसरल लिशमैनियासिस आप याद करेंगे इसको और ये सिवियर फॉर्म रहता है लिशमैनियासिस नाम की बीमारी का ये जो डिजीज़ है वो पैरासाइट्स कॉज करते हैं जिसमें लिशमैनिया जीनस रहता है और ये ट्रांसमिटेड होती है सेंट फ्लाई के थ्रू तो फैलाने वाले जो पैरासाइट्स है वो लिशमैनिया है लेकिन जो ट्रांसमिट करने के लिए वैक्टर यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो है सेंटफ फ्लाई तो सेंट फ्लाई पर एक तरह से बैठ ये जो ऑर्गेनिज़म्स है ये किसी को बीमार करते हैं वहीं जो एडल्ट फीमेल सेंड फ्लाई होती है फीमेल सेंड फ्लाई की बात कर रहे हैं हम वो ब्लड सकर होती है खून को चूसती है यूजुअली उसकी फीडिंग नाइट के टाइम पर रहती है तो जो उसका प्रे जब सोता हुआ रहता है उस टाइम पे वो उसका खून चूसती है ब्लड सक करती है और जो वन द फ्लाई बाइट्स अब जब ये जो फ्लाई है वो किसी को बाइट करती है तो एक एनिमल इन्फेक्ट हो जाता है जिसको कहते हैं जो एनिमल इन्फेक्ट हो रहा है उसको कहते हैं लिशमैनिया डोनोवानी तो ठीक है ये वाला लिशमैनिया डोनोवानी है जो इन्फेक्ट कर रहा है जो जो पैथोजन इंजेस्ट हो रहा है प्रे के ब्लड में वो अंदर चला गया उसके अंदर अब होता क्या है जो लिशमे ट्रॉपिका होता है वो प्रोड्यूस करता है स्किन अल्सर नाम की प्रॉब्लम्स को और ये जो स्किन अल्सर्स होते हैं उसी का दूसरा नाम होता है ओरिएंटल सोर और दहली सोर जो दिल्ली होती है दिल्ली के ऊपर ही दिल्ली सोर नाम रखा गया है तो लिशमेनिया ट्रॉपिका आपको याद रखना है ओरिएंटल सोर और दहली सोर के लिए है और ये जो डिजीज़ है ये भी सेंडफ्लाइज़ ही ट्रांसमिट करती है इसमें जो पैरासाइट रहता है वो एंडोथील सेल्स जो होते हैं स्किन कैपिलरीज के वहां पर रहते हैं और फिर वहां पर वो अल्सरेटेड वुंड्स बनाने लगते हैं जिसकी जैसे जो स्किन होती है उस पर रेज्ड एजेस आ जाती है ऐसे ऊंची ऊंची स्किन के ऊपर एजेस बन जाती है रेज्ड एजेस इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ पेन नहीं होता लेकिन हाँ स्किन के अंदर एक स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगते हैं सो दोनों बीमारियाँ हैं जो कि सेंड फ्लाई ट्रांसमिट रही है लेकिन यहाँ जो लिशमेनिया है एक जो पहली वाली डिजीज़ है काला अजर उसके अंदर लिशमेनिया डोनो वानी काम करता है डोनो वानी और वहीं जो ओरिएंटल सोर है इस बीमारी के अंदर लिशमेनिया जो ट्रॉपिका है वो काम करता है और लिशमेनिया ट्रॉपिका वाले के अंदर आपको एक और नाम याद रखना ओरिएंटल सोर का दूसरा नाम क्या होता है दहली सोर होता है वहीं हमने काला जर का नाम पड़ा ब्लैक फीवर और विस्तरल लिशमेनियासिस मेलफेगिन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ़ इंसेक्ट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गनस ऑफ एनालीड्स रेस्पिरीट्री ऑर्गनस ऑफ इंसेक्ट्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गनस ऑफ एनालिट्स तो रेस्पिरीटरी ऑर्गनस तो ये बिल्कुल नहीं होते अब एक्सक्रीटरी में से आप पहले चूज कर सकते हैं इसेक्ट्स के बनाएंगे कि एनालीड्स के बनाएंगे तो ये चीज़ हमें आज से याद रखनी है अगर नहीं पता थी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गनस ऑफ इंसेक्ट्स मेलफीगिन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें मेलफीगिन ट्यूब्यूल्स अटैच रहते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल से और कैसे अटैच रहते हैं उनका जो एक्स्ट्रीम एंटीरियर एंड रहता है हाइंड गट का वहाँ वहाँ के, के आसपास रहते हैं और ये फाइन रहते हैं लॉन्ग अनब्रांच येलोइश और ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि फ्रीली हिमोलिम्फ में प्रेजेंट होते हैं ये साठ से लेकर वन नंबर में हो सकते हैं और छः से आठ बंडल्स में अरेंज रहते हैं इनको इनका जो काम रहता है वो एक्सक्रीशन रहता है और ये जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें एक्सक्रीट आउट करते हैं ये एक्सक्रीट आउट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से और वो भी किसके फॉर्म में यूरिक एसिड के फॉर्म तो में तो ये सारी चीजें यहां पर जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे सकती थी मैंने आपको बता दिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन 163 को देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन है टीनियसजीनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनियस सोलियम इस ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो था उसी में हमने इसको देखा था एब्सेंस ऑफ स्कोलैक्स हुक्स एब्सेंस ऑफ स्कोलैक्स हुक्स एंड यूटराइन ब्रांचिंग एब्सेंस ऑफ स्कोलैक्स हुक्स एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंस ऑफ स्कोलैक्स हुक्स तो टीनियसजीनेटा के अंदर ऐसी क्या चीज होना चाहिए जिसकी वजह से वो टीनिया सोलियम से अलग नजर आता है तो सही आंसर तो पहले तो है आपका ए ऑप्शन जो कि है एब्सेंस ऑफ हुक्स हमने और ए ऑप्शन तो टिक कर दिया एब्सेंस ऑफ कोलेक्सूस इसको समझ लेते हैं जो बीफ टेपफॉर्म होता है उसको टीनिया सेजिनेटा कहते हैं वो और जो पोर्क टेप फॉर्म होता है वो टीनिया सोलियम होता है और इनकी स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री में कई हद तक सिमिलरिटी रहती है हम कह सकते हैं और जो कॉमनेस्ट टेप फॉर्म है मैन के अंदर पाया जाने वाला वो ज़्यादातर टीनिया सोलियम होता है तो ये हमें पता होना चाहिए और ये एक तरह का इंटरमीडिएट होस्ट होता है कैटल और बफेलोस और मैन के बीच का और ये टीनिया सोलियम जो रहता है ये थोड़ा बड़ा रहता है ली इसकी लेंथ जो है ना मतलब सॉरी टीनिया होता है मैंने गलत कह दिया वो थोड़ा सा बड़ा होता है टीना टीनिया से और यूजली 12 मीटर या उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है इसके स्कोलेक्स में चार स्ट्रॉन्ग राउंडेड एडेसिव सकर्स होते हैं जिसके अंदर हुक्स नहीं पाए जाते हैं स्ट्रॉबेला इसके दो हजार का बना होता है और एक ग्रेविड प्रोग्लॉटेड जो इसमें होता है उसमें हंड्रेड एग्स होते हैं यूटेरस जो रहती है ग्रेविड प्रो की तरफ उसमें पंद्रह से थर्टी फाइव ब्रांचेस रहती है दोनों ही तरफ तो ये वन सिक्सटी थ्री का ए ऑप्शन था मैं पहले इसको डिस्कस कर चुकी हूं वैसे इस क्वेश्चन को ऑनकोस्फियर्स आकर्स इन एस्करीज टीनिया फैश्योला प्लेन ये वाला भी डिस्कस कर चुके हैं सी ऑप्शन सही है टीनिया आपको लर्न करना है यूथेरियंस आर कैरेक्टराइज बाय हेयरी स्किन ओवोविवीपेरिटी ट्रू प्लेसेंटेशन या फिर ग्लैंडुलर स्किन तो सही आंसर है बी ऑप्शन ट्रू प्लेसेंटेशन जो यूथेरियंस होते हैं वो एक तरह का टेक्सॉन होता है जिसमें प्लेसेंटल मैमल्स पाए जाते हैं जैसे कि ह्यूमन्स नेवर्थलेस हम कह सकते हैं ऑल यूथेरियंस आर प्लेसेंटल मैमल्स इसका मतलब क्या है यूथेरियन फीटस जो रहता है उसको जब नरिशमेंट दिया जाता है स्टेशन के टाइम पर तो वो प्लेसेंटा करती है और जो मतलब उनमें एक तरह से प्लेसेंटा पाई जाती है एकदम तो नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम कहें तो और जो यूथ होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं यानी ये यंग वंस को बर्थ देते हैं ना कि एग्स को ले करते हैं और वीवी पैरस का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ऑफ स्प्रिंग्स जो रहते हैं वो मदर वोम के, वोम के वोम के वोम के अंदर रहते हैं प्रेजेंट और जब तक वो पूरे डेवलप ना हो जाए फिर उनका पार्चुलेशन होता है उनकी बर्थ हो जाती है तो ये तो हो गया यहाँ आंसर क्या था ट्रू प्लेसेंटेशन विश बोन ऑफ बर्ड्स इस फ्रॉम विश बोन जो बर्ड्स की रहती है वो कैसे कहाँ से होती है पेल्व गर्डल्स कल हैंडलिम्स पेक्टोरल गर्डल क्लेविकल्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है आंसर हमेशा पेक्टोरल गर्डल्स या फिर क्लैविकल्स आपको याद कर लेना है समझिए इसको विश बोन जो रहती है अगर उसको एनेटोमी के अंदर बात की जाए तो उसकी जैसी फर्क्यूला होती है स्टर्नम बोन जो होती है फाउंड इन बर्ड्स उसकी तरह से होती है और इसका जो शेप रहता है वो वाई लेटर की तरह दिखाई देता है और ये एक तरह का अटैचमेंट पॉइंट रहती है विंग मसल्स के लिए जहाँ पर के जो मसल्स होते हैं वो आके इस पर अटैच होते हैं इसका नेम इसलिए ऐसा रखा गया कि एक ट्रेडिशन था जिसमें टू पीपल पुल ऑन ईच साइड ऑफ सच एक वाइट टाइप की बोन है तो दो लोग ऐसे बोन की दोनों तरफ से उसको खींचने की अगर कोशिश करते थे जब वो टूट जाती थी तो जिसके पास बड़ा पोर्शन पा आ जाता था उसको जो विश वो मांगता था उसकी पूरी हो जाती थी ऐसी मान्यता माना जाता था मान्यता थी लोगों की ट्रेडिशन की तो इस बोन को तोड़ने की कोशिश करते थे जिसके पास बड़ा पोर्शन आ गया वो उसकी विश पूरी होती थी तो उसका नाम विश बोन रख दिया गया और जो दो क्लैविकल्स रहते हैं जब वो फ्यूज कर जाते हैं इंटर क्लेविकल के साथ तो वो एक फॉर्क शेप बोन बना लेते हैं जिसको विश बोन कहते हैं तो ये सारी बातें इसके लिए जरूरी थी और फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड आर अटैच्ड टू क्लेविकल कैप्यूला कील ऑफ स्टर्नम कोरोइड तो सही आंसर है बी ऑप्शन कील ऑफ स्टर्नम समझिए जो बर्ड्स होती है उसमें पेक्टोरल और सुपर सुपरा कोरेकॉइडियस मसल्स जो रहती है जो पावर करती है विंग्स को वो एनकर्ड रहती है अटैच रहती है एक लार्ज बोनी कील को लेकर अलॉन्ग दी मिडलाइन ऑफ द स्टर्नम नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सिक्सटी एट अकॉर्डेड कैरेक्टर इज गिल्स स्पाइरिकल्स पोस्ट एनल टेल या फिर काइटिनस एक्सोस्केलेटन तो यहाँ पर सही आंसर ऑपर

होती हैं नर्व्स भी होती है लेकिन इसके अंदर कोई विसरा नहीं होता तो ये बात याद रखनी है टेल के अंदर कोई भी विसरा नहीं होता और इट प्रोवाइड्स मच ऑफ प्रोपल्सिव फोर्स इन एक्वेटिक स्पीशीज एक्वेटिक स्पीशीज के अंदर जो पीछे वाली ये जो टेल होगी ये क्या करेगी एक तरह से प्रोपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करेगी और टेल ज़्यादातर छोटी भी हो सकती है और कभी एबसेंट भी हो सकती है कुछ एडल्ट में जो कि कुछ कॉडेट्स के हो सकते हैं तो ये सब बातें थी अर्थवॉर्म्स आर यूजफुल हार्मफुल मोर यूजफुल देन हार्मफुल एफ ए मोर हार्मफुल बहुत अजीब सा क्वेश्चन है आंसर है वो यूज़फुल होते हैं फार्मर्स फ्रेंड ऐसे उन्हें नहीं कह दिया जाता अर्थवॉर्म बहुत यूजफुल इसलिए होते हैं क्योंकि जब फिशिंग होती है मछली पकड़ी जाती है तो एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है अर्थवॉर्म्स का बेट की तरह बी ए आई टी कहते हैं आप उसको अगर वर्ड पता होना चाहिए तो बेट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं अर्थवॉर्म का अर्थवॉर्म जनरली बेनिफिशियल होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर भी इनकी जो हैबिट होती है वो क्या होती है बरो बरो बनाना मतलब जमीन खोद कर उनके अंदर जाना सोयलो करना अर्थ की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं ये तरीके से क्योंकि उसमें हवा आ जाती है पोरस बनाते हैं सॉइल को तो एक पेनिट्रेशन ऑफ एयर और मॉइस्चर पोरस सॉइल में आसानी से हो सकता है तो वो चीज हो जाती है ड्रेनेज इंप्रूव हो जाता है सॉइल का वो ये कर देते हैं डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स अच्छे से हो सकती है रूट्स आसानी से नीचे जा सकती है वो ये आसान कर देते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट जो इनका रहता है वॉर्म्स का अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारा नाइट्रोजनस मैटर होगा तो वो भी प्लांट के लिए एक फूड की तरह वर्क करेगा और जो अर्थफॉर्म्स रहते हैं उनको पुराने ज़माने में मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता था और बहुत सारी बीमारियाँ उनसे क्योर की, की जा जाती थी जैसे कि ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो जाना जॉन्डिस में जो बहुत ज़्यादा येलोनेस आ जाती है वो हो जाना पायरिया पाइल्स रूमेटिज़म गाउट डायरिया ये सारी बीमारियों में भी उनका कुछ यूज़ रहा था पुराने ज़माने में और जो अर्थफॉम्स रहते हैं वो ईजीली कहीं पर भी आसानी से मिल जाते हैं और कन्वीन साइज़ भी होता है इनका डिसेक्शन का तो लेबोरेटरीज के अंदर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इनका यूज़ किया

अब होता क्या है कि जो एग्स होते हैं टीनिया के उनके अंदर सबसे पहले तो क्लीवेज आता है जिससे वो मोर्यूला बनाते हैं मोर्यूला जो रहता है वो मॉर्फोलॉजिकली पोस्टीरियर एंड जो रहता है मोर्यूला का वो डेवलप करता है थ्री पेयर्स ऑफ काइटीनस हुक्स के अंदर जो कि सिक्रीटेड सिक्रीटेड होती अ, सिक्रीट होती है डिफ्रेंशिएटेड सेल से जिनको ऑनको कहते हैं अब जो सिक्स हुक्ड एम्ब्रियो रहता है उसको अब जो नया नाम दिया जाता है वो होता है हेग्जाकांत जिसमें एक पेयर ऑफ लार्ज पेनिट्रेशन ग्लैंड पाए जाते हैं और ये सराउंडेड हैं दो मेम्ब्रेन से अब जो हैगज्जाकांत रहता है वो अगर दूसरी जो उसके आसपास पाई जा रही है उसके साथ उसको देखा जाए तो उसको मिलाकर कहा जाता है ऑनकोस्फियर और जो सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट रहता है जो कि एक्वायर करता है इंफेक्शन वो कैसे करता है बाय इंजेस्टिंग द ऑनकोस्फियर जो भी इंसान या जो भी एनिमल ऑनकोस्फियर को खा लेगा या फिर उसके पेट में वो चीज पहुंच जाएगी तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा पिक जो रहता है वो रेगुलर रेगुलरली देखा जाए तो ह्यूमन के जो एक्सक्रीटा होते हैं टॉयलेट वगैरह ये सारी चीजों के फीड करते हैं पिग उन्हें फीड करते हैं आपको पता ही होगा होते हैं पिग्स तो वो सेकेंडरी होस्ट होता है फिर उसके बाद जो डॉग मंकी शीप रहते हैं उन्हें भी इंफेक्शन हो जाता है और जो इंसान होता है उसकी भी अगर हम बात करें तो वो भी एक तरह का सेकेंडरी होस्ट है क्योंकि वो भी इंजेस्ट करता है इन ऑनकोस्फियर्स को कहीं ना कहीं अगर वो कभी कभी इनएडिकुएटली कुड या फिर रॉ वेजिटेबल्स खा ले अच्छे से पका हुआ खाना नहीं खाएगा तो उनमें भी कभी कभी ये ऑनकोस्फियर्स आ जाते हैं तो ये बीमारी कॉज कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं शायद मैं यहां टिक करना भूल सही आंसर यह ऑनकोसवियर था तो ये वाला टिक करेंगे नेक्स्ट जेली फिश बिलोंग्स टू क्लास हाइड्रोजोआ एंथोजोआ स्काइफोजोआ नन ऑफ दीस तो सही आंसर है बी ऑप्शन स्काइफोजोआ जो जेली फिश रहती है वो क्लास स्काइफोजोआ uh, में आती है जो फाइलम नीटेरिया होता है इसका जो जीनस है वो ऑरेलिया होता है ऑरेलिया कोस्टल वाटर्स जो रहते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट सीज के वहाँ पाए जाते हैं ऑरेलिया फ्लोट करते हैं पैसिवली या फिर स्विम भी कर सकते हैं एक्टिवली या फिर सिंगली या फिर शोल्स के अंदर और ये कार्निवोरस होते हैं यूनिसेक्जुअल होते हैं सॉफ्ट जिलेटिना सॉसर लाइक बॉडी इनकी होती है मार्जिन इनके जो रहते हैं उस पर शॉर्ट टेंटिकल्स पाए जाते हैं एट सेंस ऑर्गन इनमें होते हैं जिनको रोहोपेलिया कहा जाता है आर एच ओ पी ए आल एल आई ए रोपेलिया कहा जाता है और इन नॉचिस ऑफ दी मार्जिन ये पाए जाते हैं और हर सेंस ऑर्गन जो इनका रहता है वो इंक्लोज रहता है एक पेयर ऑफ लीफ लाइक लेपेट्स के अंदर जो सेंटर होता है लोअर सब अम्बरेलर सरफेस इनके अंदर वो स्क्वेरिश माउथ का बना होता है जिसमें फोर लॉन्ग ओरल आर्म्स पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सही आंसर तो यहाँ हमने टिक कर ही लिया था नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं 172 सेवेंटी टू फिश विच सॉरी फिश विच फिशेस होना चाहिए वैसे फिश विच कैन बी यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्टोज लार्विसाइडल फिश ऐसी कौन सी फिश है तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है गैम्बूसिया एफिनस एक बार याद कर लो आप हमेशा ये वाला क्वेश्चन टिक करना है आपको सो so, गैम्बूसिया एक स्पीशीज़ होती है फ्रेश वाटर फिश होती है रिमार्केबली हार्डी होती है सर्वाइव कर लेती वॉटर्स ऑफ वेरी लो ऑक्सीजन सेचुरेशन में भी हाई सेलिनिटीज के अंदर भी कभी कभी रह लेती हाई टेम्परेचर पर भी रह लेती है इन्हीं रीजन की वजह से ये ऐसी स्पीशीज़ है जो कि वाइट रेड फ्रेश वाटर फिश हो गई है वर्ल्ड की और इसको बायो कंट्रोल के हिसाब से पानी में इंट्रोड्यूस कराया गया था क्योंकि ये जो मॉस्कीटोज होती है उनके अंडों को खा लेती है उनके लार्वे को खा लेती है प्यूबल स्टेजेस और मॉस्कीटोज को भी खा लेती है तो इससे क्या होता है जो मलेरिया वगैरह जो मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ये एक अच्छी फिश मानी जाती है हेयर अकर इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसके अंदर हेयर नहीं हो गए रोडेंशिया प्राइमेटा चिरोप्टेरा सिटेसिया मैमल्स सभी है लेकिन किन में हेयर नहीं हो सकते तो सही आंसर है सिटेसिया ऑर्डर सिटेसिया जिसमें वेल्स डॉल्फिन पॉर्पॉइजेस आते हैं इनकी बॉडी स्मूद होती है हाईली मॉडिफाइड मैमल्स होते हैं फिश लाइक बॉडी होती है स्मूद हेयरलेस स्किन इनकी होती है इनमें कोई स्वेट ग्लैंड ऑयल ग्लैंड नहीं होते इनके अंदर फार पोस्टीरियर नेयर्स होती है इनकी आंखें छोटी होती है इनके अंदर माइन्यूट ईयर ओपनिंग्स और इनके ऊपर नहीं पाए जाते जो पिन्ने उपर, इन जो होते हैं ईयर के ऊपर वो इनमें नहीं होते इनके फोर लिम्स पेडल लाइक होते हैं और इनके अंदर हाइंड लिम्स तो पाए ही नहीं जाते टेस्टीज इनकी एबडोमिनल होती है इनकी फ्लैटेंड टेल होती है जो कि दो हॉरिजोंटल फ्लैप्स की या फिर फ्ल्यूक्स की बनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन बर्ड वर्टिब्री आर ए सीलोस ए सीलस एमफी सीलस हेटरोलस प्रोसीलिसस सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन हेट्रोसील्स बर्ड की जो वर्टिब्री होती है वो हैट्रोसीलस होती है सेंट्रा ऑफ वर्टिब्री जो रहती है सेडल शेप एंड्स की होती है ए सीलस का मतलब होता है ऐसी वर्टिब्री जो कि फ्लैट होती है दोनों एंड से जैसे कि मैमल्स के अंदर एमफी यानी कि जो दोनों एंड्स हो गए सेंट्रम के वो कॉन्केव हो गए जैसे कि फिशेस के अंदर प्रोसीलस का मतलब होता है कॉन्केव फ्रंट में से और कॉन्वेक्स बैक में से जैसे कि एन्यन्स और रेप्ट के अंदर पाई जाती है तो ये तो यहाँ का आंसर हो गया नेक्स्ट फीट ऑफ किंग फिशर आर मॉडिफाइड फॉर जो फिश किंगफिशर uh, होते हैं उसके फीट जो रहते हैं वो मॉडिफाइड रहते हैं किसके लिए वेडिंग रनिंग पर्चिंग कैचिंग तो सही आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन वेडिंग के लिए रहते हैं उसके पैर जो हैंडलिम्प हाँ होते हैं वो वेरियसली मॉडिफाइड रहते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए जैसे पर्चिंग एक्टेट्रा लेकिन जो किंग फिशर रहता है उसके जो हैंडलिम्पस हाँ होते हैं वो वेडिंग के लिए मॉडिफाइड रहते हैं जो लेग्स रहते हैं और टोज इनके रहते हैं वो एक्सेप्शनली लॉन्ग रहते हैं और सिलेंडर रहते हैं जिनका पर्पस ये रहता है कि वो वॉकिंग कर सके जो एक्वेटिक वेजिटेशन या फिर मार्शेस होती है जैसे समुद्री इलाकों के आसपास अगर देखा जाए तो जो एरिया रहता है वहां पर चलने के लिए जो एक स्पेशल टाइप के पैर इन्हें लगेंगे वो होते हैं वेडिंग टाइप ऑफ फीट नेक्स्ट देखते हैं बोथ मेल एंड फीमेल पीजन सिक्रेट मिल्क थ्रू मेल और फीमेल पीजन दोनों ही मिल्क सिक्रेट करते हैं ये पता होगा आपको क्रॉप्स मिल्क कहते हैं उसको तो मैंने इतनी हिंड दे दी तो अब आंसर तो आपको आ ही गया होगा सलाइवरिक लैंड्स होगा कि मॉडिफाइड स्वेट लैंड क्रॉप या फिर गिजार्ड तो होगा क्रॉप आंसर सी ऑप्शन यही है, है क्योंकि वो क्रॉप्स मिल्क कहलाता है पीजन जो रहते हैं वो यूनिक एबिलिटी रहती है उनमें कि वो पीजनस मिल्क प्रोड्यूस करते हैं सॉफ्ट चीज़ी नरिशमेंट सिक्रीशन रहता है ये जो कि ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर उनके अंदर से सिक्रीट लगता है। इसमें क्या होता है? जो होती है, उसके थ्रू ये मिल्क बनता है और इट इज रिगर्जिटेटेड इन टू दी माउथ ऑफ यंग बर्ड्स जो छोटे बच्चे होते उनके मुंह में पेरेंट्स ये सारी चीजें डाल uh, देते हैं और जब तक वो बड़े ना हो जाए जब तक उन्हें ये चीज पिलाई जाती है एंड टू मैनेज अ ग्रेन डाइट लाइक देयर पेरेंट जब तक उनके पापा मम्मी जैसे वो बच्चे छोटे रहते हैं जब तक वो ग्रेन नहीं खा सकते उन्हें ये पिजन्स मिल्क दिया जाता है और जो पिजन मिल्क रहता है उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है एक तो एच टू ओ रहेगा फैट रहेगा उसके अंदर प्रोटीन रहेगा प्रोटीन कौन सा रहेगा कैसिन रहेगा सी ए एस ई आई एन कैसिन याद करेंगे आप लोग लेक्टोज भी इनमें कुछ अमाउंट के लिए पाया जाता है और ये जो मिल्क रहता है वो दोनों ही ऑर्गेनिज्म यानी मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सेज में पाया जाता है और इसमें थर्टी फाइव परसेंट फैट होता है जो इनको मिल्क पिलाया जाता है पीजेंस मिल्क वो थर्टी फाइव परसेंट फैट का होता है तो वो चोच से होता है प्रोसेस मेमोरी ग्लैंड में ऐसे नहीं होते ये क्रॉप जो रहती है वो गिजाट के आसपास वहाँ से फिर उसको दे दिया जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं टेफलॉप्स ए सी स्नेक ब्लाइंड स्नेक ग्लासनेक ग्रास स्नेक आपको पता होगा आंसर सी हो, सी ऑप्शन सही है ब्लाइंड स्नेक होते हैं टिफ्लॉप्स टिफ्लॉप एक जीनस है ब्लाइंड स्नेक की जो कि नॉन पॉइजनस स्नेक होती है जहरीला नहीं होता यूरोप अफ्रीका एशिया सेंट्रल साउथ अमेरिका इन सारी जगहों पर पाया जाता है स्नीस सी स्नी स्नेक जो है वो पॉइजनस स्नेक है लेकिन जो ग्रास स्नेक है वो नॉन पॉइजनस स्नेक है और जो ग्लास स्नेक है वो एक लिजार्ड है तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा वाले भी बता दिए सी स्नेक जो है वो कैसा है पॉइजनस है ग्लास स्नेक कैसा है वो पॉइजनस नहीं है सॉरी मैंने यहाँ पर ग्रास लिखना सॉरी ग्रास स्नेक जो है वो नॉन पॉइजनस है ये वाला पॉइजनस है ये भी नॉन पॉइजनस है और जो ग्लास स्नेक है वो तो एक लिजार्ट होती है तो ये सारी चीज़ें हो गई नेक्स्ट नेक्ट्यूरस इज हेल ब्लै हेलबेंडर मर्ट पपी कॉन्गो ईल ब्लाइंड वॉम नेक्ट्यूरस क्या होता है सी ऑप्शन सही है मर्ट पपी होता है वो नेक्ट्यूरस एक तरह का मर्ट पपी है मैं डॉग के बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ पपी वाले तो मर्ट पपी इसको ऐसे ही कहा जाता है ये ऑर्डर यूरोडेला जो क्लास एम्फीबिया के होते हैं उनमें आता है हेल बेंडर की अगर बात की जाए तो वो एक लार्ज सेलेमेंडर होता है एम्फी की बात की जाए तो वो ईल रहती है इक्तिफिस की बात की जाए तो वो ब्लाइंड वाम होता है तो ये सारी बातें आपको याद करनी है न सेवेंटी नाइन फायर बेली टोड फायर बेली टोर्ड कौन सा होगा एम्फ्यूमा नेक्स बॉम्बीना सैलामेंडर सेमेंडर तो सही आंसर है बी ऑप्शन बॉम्बिना जो फायर बेली टोर्स रहते हैं वो ग्रुप रहता है एट स्पीशीज का जिसमें स्मॉल टोर्स आते हैं जो कि जीनस बॉम्बिना में आते हैं ये यूरोप एशिया इन सारी जगहों पर करीब करीब पाए जाते हैं और पानी में रहना पसंद करते हैं शोर के आसपास रहना पसंद करते हैं इनका जो नेम है वो डिराइव किया गया इसलिए है क्योंकि इनका जो आ, कहना चाहिए इनकी जो पैटर्नस होते हैं वेंट्रल रीजन के ऊपर वो ब्राइटली कलर्ड रेड या फिर येलो कलर के हो सकते हैं ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं तो इसी वजह से इनका नाम ऐसा रखा गया है जिसके वजह से ये अपने प्रिडेटर्स को वार्न करते हैं डराने की कोशिश करते हैं और एमफ्यूमा जो होता है वो एक तरह का कांगो ईल रहती है अगर उसकी बात की जाए तो नेक्यूरस एक मट पपी है और सेलेमेंडर इज सेलेमेंडर हमें पता ही है तो ये वाली बात हो गई नेक्स्ट इनमें से ट्रू एम्फ्यन एनिमल कौन सा नहीं विच इज़ नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल सेलेमेंडर टोटोइस टोड फ्रॉक तो आंसर है सी ऑप्शन टोटोइज एक ट्रू एम्फीबियन नहीं है टोटोइस क्लास रेप्टीलिया में आता है इनकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है शेल से जिसमें डोर्सल कैरापेस होता है और वेंट्रल प्लेस्ट्रॉन होता है तो ये याद कर लेंगे नेक्स्ट देखते हैं अब वुड बोरिंग मॉलस शिप वॉम इज़ वुड को बोर करने वाला जो शिप वॉर्म होता है मॉलस होता है वो कौन सा होगा काइटन लाइमेक्स टेरिडो पटेला तो सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन टेरिडो तो मैं यहाँ क्लियर करती हूँ पहले टेरेडो यहाँ सही आंसर है आप समझिए जो कॉमन नेम होता है टेरेडो का वो शिप रहता है ये क्लास बायविया ऑफ फाइला मोलस्का में आते हैं इनके हेड जो रहते हैं वो एबसेंट होते हैं इनके फूट जो रहते हैं वो एज वेज शेप के होते हैं और उससे वो बरो बनाते हैं इनके शेल में दो वॉल्व होती हैं फिर जो कॉमन नेम होता है काइटन का आप दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जो कॉमन नेम होता है काइटन का वो होता है कोट ऑफ मेल शेल जिसको क्लास एम्फिन्यूरा में लिया जाता है लाइमेक्स की बात करें तो ये होता है ग्रे स्लग एस एल यू जी ग्रे स्लग जो कि क्लास गेस्ट्रोपोडा में आते हैं पेटेला की बात की जाए तो ये ट्रू लिम्पेट है जो कि क्लास गेस्ट्रोपोडा के अंदर आते हैं ट्रू लिम्पेट कहा है मैंने एल आई एम टी ठीक है तो नेक्स्ट देख लेते हैं थ्रेड इज ऑप्टेंड फ्रॉम सिल्क मॉत ड्यूरिंग जो सिल्क थ्रेड होता है वो सिल्क मॉथ से बनता है किस समय प्यूपल स्टेज निम्फ स्टेज लार्वल स्टेज अडल्ट स्टेज तो सही आंसर है ए ऑप्शन प्यूपल स्टेज मलबेरी सिल्क मॉत जो रहता है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है और एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है सिल्क उसके अंदर से ऑप्टेन किया जाता है उसके प्यूपा को मारा जाता है जी हाँ उसको मारा जाता है हॉट वाटर में डाल देते हैं उसके प्यूपा को तो सिल्क बनते हैं तो अगर अवॉइड करना चाहिए वैसे इन तरह की चीजें लेकिन जो रिच पीपल रहते हैं जो वेल ऑफ फैमिली से आते हैं उन लोगों के अंदर इस तरह की चीजों का क्रेज बहुत ज्यादा होता है तो वो सिल्क इसलिए उनकी डिमांड है तो फिर सप्लाई भी होती है इसी वजह से तो सिल्क थ्रेड इस तरह से बनता है अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये प्यूपल स्टेज आपको याद रखती है यहाँ पर अब देखते हैं ऑर्गन पाइप कोरल इज एंड यहाँ पर ये अच्छी वाली न्यूज आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है और ये वाला चैप्टर हमारा ओवर हो रहा है फाइनली तो ऑर्गन पाइप कोरल कैसा होता है ट्यूबीपोरा हेलीपोरा एस्ट्रिया फंजिया तो सही आंसर है ए ऑप्शन ट्यूबीपोरा अब समझिए जो कॉमन नेम होता है ट्यूबीपोरा आ, वो एक तरह का उसका जो ट्यूबीपोरा का कॉमन नेम होता है वो ऑर्गन पाइप कोरल रहता है ये मराइन एनिमल होता है क्लास एंथोजोआ में आता है फाइलम नीटेरिया में आता है ये रीफ जो रहते हैं शेलो वाटर के इंडियन या फिर पैसिफिक ओशन के उसमें पाए जाते हैं ये कैरेक्टराइज रहते हैं लॉन्ग पैरल अपराइट पॉलिप्स के थ्रू और स्टॉक इनमें पाए जाते हैं इनके अंदर एक स्केलेटन होता है रिजे ट्यूब्स का ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो सही आंसर है ट्यूबीपोरा सो दिस ब्रिंक्स अस टू दी एंड ऑफ दिस चैप्टर नाव और ये चैप्टर यहाँ कम्प्लीट हो जाता है एंड इसके बाद अगर कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना है तो वो आप बता सकते हैं वरना मेरे मैं सोचती हूँ हम लोग टू थाउजेंड नाइनटीन का नीट पेपर सॉल्व कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए तो हम लोग वो कर सकते हैं एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग